एक दिन अभय को पता चलता है कि भूमिका किसी मर्द के साथ एक नाइट क्लब में डांस कर रही है। वो खुफिया तरीके से वहां पहुंचता है और भूमिका पे नजर रखने लगता है, ये देखने के लिए कि वो क्या कर रही है। देख के उसे बहुत बुरा लगता है कि वो एक मर्द के साथ बहुत ही चिपक चिपक के नाच रही है। अभय उन दोनों का पीछा करता है और वो ये देखता है कि भूमिका और वो आदमी कार में बेसमेंट में जा करके संभोग करने लगते हैं। अभय अचंभे में पड़ जाता है, उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भूमिका उसे धोखा दे रही है। अभय गुस्से में वहां से निकल जाता है। अभय का दिल टूट जाता है। अभय को यकीन होने लगता है कि भूमिका ने उसका इस्तेमाल किया है। सचमुच उसने अपने उपन्यास के किरदार को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है उसका। भूमिका को उससे जरा भी प्यार नहीं है। अभय पागल हो जाता है गुस्से में। अभय को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, इतना बड़ा धोखा। ये वही आदमी है जो कल रात भूमिका के साथ था। अभय को उसके कर्मचारी का फोन आता है, उसे वो बताता है कि एक आदमी की लाश मिली है कार में हाईवे पे। अभय फौरन वहां पहुंच जाता है। अभय जैसे ही वहां पहुंचता है वो गाड़ी में उस आदमी की लाश देख के अचंभे में पड़ जाता है। अरे ये तो वही आदमी है जो कल रात भूमिका के साथ था। इसका मतलब क्या भूमिका ही कातिल है? अभय अरेस्ट वारंट लेके भूमिका के घर पे पहुंच जाता है। उसे घर में भूमिका नजर ही नहीं आती। वो भूमिका के घर में उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे एक कार के इंजन के शुरू होने की आवाज आती है। अभय झांक के देखता है तो भूमिका की कार कहीं निकल रही है। अभय फौरन दौड़ के आता है और अपनी कार में बैठता है और भूमिका की कार का पीछा करने लगता है। भूमिका की कार बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अभय उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसे समझ आता है कि भूमिका को पता चल गया है कि वो उसका पीछा कर रहा है। तभी उस कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। अभय अपनी कार से उतरता है और दौड़ता है उस कार की तरफ। जैसे ही वो भूमिका की कार का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि एक लड़की लहूलुहान पड़ी है। जैसे ही वो लड़की की शक्ल देखता है तो उसे पता चलता है वो भूमिका नहीं, उसकी सहेली सुनीता है। अभय अपने घर जाता है। अभय जब घर पहुंचता है तो वो ये देखता है कि उसके घर के बाहर भूमिका उसका इंतजार कर रही है। अभय उसे देख के अचंभे में पड़ जाता है। वो भूमिका से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। भूमिका कहती है कि वो उसे माफ़ी मांगने आई है। अभय पूछता है किस बात के लिए। भूमिका उसको बताती है कि कल रात शराब के नशे में उससे गलती हो गई है, उसने उसका भरोसा तोड़ दिया है। अभय उसे कहता है कि वो जानता है, उसने देखा था उस आदमी के साथ उसे। भूमिका शर्मिंदा हो जाती है। अभय कहता है कि उस आदमी की लाश आज कार में मिली है हाईवे पे और उसी वजह से अभय उसे अरेस्ट करने के लिए उसके घर पे गया था, लेकिन उसने भूमिका की कार को बाहर निकलते हुए देखा और उसने उसका पीछा किया। जब उस कार का एक्सीडेंट हुआ और उसने गाड़ी खोली तो उसमें उसे सुनीता लहूलुहान मरी हुई मिली। भूमिका अचंभे में पड़ जाती है। भूमिका अभय को ये कहती है कि सुनीता हमेशा से भूमिका की दीवानी थी। जो भी उसके करीब आता भूमिका को हमेशा ऐसा लगता कि सुनीता उसे कुछ कर देगी। भूमिका ये भी कहती है कि हो सकता है सुनीता ने उसके उपन्यास का फ़ायदा उठाया हो और लोगों का खून किया हो। भी कहती है कि आज जिस आदमी की लाश उसे मिली है हो सकता है सुनीता ने ही उसे मारा हो। नाइट क्लब का CCTV फुटेज देखने पर शायद उसे यकीन हो जाएगा। और नेट समाचार से वो ये दिखाती है कि कल रात को उस आदमी से मिलने के बाद वो एक पार्टी में गई थी फिल्म स्टार के। वो अभय से कहती है कि इस बात का खुलासा कर सकता है, इसे रिश्ता तोड़ देता है उसके प्यार के साथ धोखा करने के लिए। अभय को अगले दिन उसके एक जूनियर पुलिस अफसर का फोन आता है और वो ये बताता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जिस आदमी की लाश कार में मिली थी उसका भी खून एक स्क्रू ड्राइवर से ही किया गया है। अभय परेशानी में पड़ जाता है। उसे किसी भी कीमत पे इस केस को सुलझाना होगा। तभी अभय का एक जूनियर शीतल ठाकुर नामक लड़की से अभय की मीटिंग कराता है। शीतल ठाकुर जो किसी ज़माने में भूमिका के साथ काम करती थी, उसे भूमिका के बारे में काफ़ी कुछ पता है। अभय को बताती है भूमिका के कुछ राज।
I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. अबे परेशान हो जाता है। शीतल ठाकुर ने भूमिका के कुछ राज उसे बताकर और परेशान कर दिया है। वो समझ नहीं पाता कि क्या उपन्यास भूमिका के लिए इतना जरूरी है। जिंदगी की कोई कीमत नहीं है उसके सामने। अभय ठान लेता है कुछ भी हो जाए, इस सीरियल किलिंग की केस को आखिर उसके अंजाम तक वो पहुंचा के रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। क्या है भूमिका वर्मा का राज? क्या है भूमिका वर्मा की असलियत? शीतल ने आखिर क्या बताया है अभय को? क्या अभय इस केस को उसके अंजाम तक ले जा पाएगा? क्या अभय और भूमिका का प्यार पनपेगा या पनपे की उनकी दुश्मनी? आइए देखते हैं लव सेक्स एंड स्क्रू ड्राइवर के आखिरी भाग में भूमिका वर्मा और अभय की कहानी।